हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे फ्लो चार्ट एंड डेटा फ्लो डायग्राम के बारे में। स्टार्ट करते हैं फ्लो चार्ट से। सो व्हाट इज़ फ्लो चार्ट? फ्लो चार्ट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम। प्रोग्रामर्स ऑफ्टन यूज इट एज अ प्रोग्राम प्लानिंग टूल टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। सो इट मेक्स यूज ऑफ सिम्बॉल्स विच आर कनेक्टेड अमॉन्ग दैम टू इंडिकेट द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड प्रोसेसिंग। इसमें डिफरेंट टाइप के सिम्बॉल्स यूज होते हैं। सो फ्लो चार्ट सिम्बॉल का यूज़ करके रिप्रेजेंट होता है, जिसमें एक दूसरे के साथ वो कनेक्टेड होते हैं एक फ्लो में, मतलब कि एक सिक्वेंस में वो एक प्रोसेस रिप्रेजेंट करते हैं। सो द प्रोसेस ऑफ ड्रॉइंग अ फ्लो चार्ट फॉर एन एल्गोरिदम इज नोन एज फ्लो चार्टिंग। So let's see about basic symbols used in flowchart designs. पहला है टर्मिनल, राइट? सो ये एक ओवल सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, राइट? ये ओवल सिंबल प्रोग्राम का जो फ्लो होता है उसमें स्टार्ट, स्टॉप एंड होल्ड को रिप्रेजेंट करता है, कि प्रोग्राम स्टार्ट होगा तब ये रिप्रेजेंट होगा, स्टॉप होगा तब रिप्रेजेंट होगा, अगर होल्ड की पोजिशन में है तो ये ऐसे सिंबल से रिप्रेजेंट होगा। सो स्टार्ट, स्टॉप एंड होल्ड सिंबल्स प्रोग्राम के लॉजिक के साथ फ्लो में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। पॉज एंड होल्ड का यूज़ प्रोग्राम के लॉजिक में अगर कोई एरर आती है तो उस कंडीशन में होता है। एंड ये टर्मिनल सिंबल फ्लो चार्ट में फर्स्ट एंड लास्ट सिंबल होता है, मीन्स जब प्रोग्राम स्टार्ट होता है तब ये सिंबल हम यहाँ पे डिनोट करते हैं, और जब प्रोग्राम एंड होगा, टर्मिनेट होगा, तब ये हम सिंबल को रिप्रेजेंट करेंगे। इनपुट आउटपुट, ये एक पैरेलल इनपुट आउटपुट फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, मींस प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शंस इनपुट डिवाइस में से इनपुट लेते हैं एंड आउटपुट डिवाइस से आउटपुट डिस्प्ले करते हैं जो डेटा, तो ये फ्लो चार्ट में एक पैरेललोग्राम से इंडिकेट किया जाता है, राइट? प्रोसेसिंग, ये बॉक्स एरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट करता है। All arithmetic processes like adding, subtracting, multiplication and division are indicated by action or process symbol. Decision. Diamond symbol represents a decision point. Decision based options such as yes or no question or true or false conditions are indicated by diamond in flowchart. Connectors. जब फ्लो चार्ट कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब कि एक से ज़्यादा हमको पेजेस की ज़रूरत पड़ सकती है फ्लो चार्ट बनाने में, राइट? सो फ्लो चार्ट को रिप्रेजेंट करने में कौन सा ये सिंबल कनेक्टर का यूज़ होता है, ठीक है? यहाँ पे कनेक्टर की तब ज़रूरत पड़ती है जब बहुत सारे फ्लो होते हैं, उसको हमको रिप्रेजेंट करना होता है, उसको कनेक्ट करना होता है, राइट? सो कनेक्टर्स आर यूजफुल टू यूज़ टू अवॉइड एनी कन्फ्यूजन्स एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ सर्कल। फ्लो लाइंस, राइट? सो फ्लो लाइंस इंडिकेट द एग्जैक्ट सीक्वेंस इन विच इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड। इंस्ट्रक्शंस जिस सीक्वेंस में एग्जीक्यूट हो गए उसको वो इंडिकेट करता है फ्लो लाइंस, राइट? सो वो कैसे रिप्रेजेंट होगी फ्लो लाइंस? एरो के यूज से। एरोस रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ कंट्रोल एंड रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट सिंबल्स ऑफ फ्लो चार्ट। एडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट्स आर बेटर वे ऑफ कम्युनिकेटिंग द लॉजिक ऑफ सिस्टम। फ्लो चार्ट्स एक्ट्स एज अ गाइड फॉर ब्लूप्रिंट ड्यूरिंग द प्रोग्राम डिज़ाइन। मतलब कि हमें प्रोग्राम के स्टेप समझने में हेल्प होती है फ्लो चार्ट की मदद से। फ्लो चार्ट हेल्प्स इन डिबगिंग प्रोसेस। विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट्स प्रोग्राम्स कैन बी इजिली एनालाइज्ड। इट प्रोवाइड्स बेटर डॉक्यूमेंटेशन। फ्लो चार्ट सर्व्स एज अ गुड प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ड्रॉ फ्लो चार्ट फॉर लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स। बड़े प्रोग्राम्स हो गए या फिर कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम हो गए, ठीक है, जिसमें बहुत सारी कंडीशंस होगी, लूप्स होगी, तो ये फ्लो चार्ट ड्रॉ करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है।
इन दिस देयर इज़ नो स्टैंडर्ड टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ डिटेल, मतलब कि बहुत सारी डिटेल्स अगर रिप्रेजेंट करनी हो तो ये प्रॉब्लमेटिक हो जाता है. डिफ़िकल्ट टू रिप्रोड्यूस द फ्लो चार्ट, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मॉडिफाई द फ्लो चार्ट. सो हियर इज़ वन एग्जाम्पल, ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू इनपुट टू नंबर्स फ्रॉम यूज़र एंड डिस्प्ले द लार्जेस्ट ऑफ टू नंबर्स. मतलब कि हमने यहाँ पे एक ऐसा फ्लो चार्ट ड्रॉ किया है. प्रोग्राम क्या है कि हमको दो नंबर्स इनपुट करना है, एंटर करना है, और उसमें से डिस्प्ले कौन सा होगा, जो लार्ज नंबर होगा वो डिस्प्ले होगा. तो प्रोग्राम स्टार्ट, ये एक सी प्रोग्राम है, ठीक है. अब पहले हमने उसका फ्लो चार्ट बनाया है, तो क्या होगा, स्टार्ट, यहाँ पे स्टार्ट है, ठीक है. ये क्या है, ये ओवल सिंबल से रिप्रेजेंट किया गया है, मतलब कि टर्मिनल है. टर्मिनल स्टार्ट, स्टॉप एंड होल्ड का यूज़ तब होता है जब होता है इसका यूज़. हम स्टार्ट, स्टॉप या हॉल्ट यूज़ करते हैं तब ये टर्मिनल सिंबल का यूज़ होता है, राइट. सो यहाँ पे प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है. सो हम जब प्रोग्राम रन होगा उसके बाद क्या करेंगे, प्रोग्राम रन करेंगे तब पहले क्या करेंगे, एक इनपुट एंटर करेंगे, मतलब एक नंबर एंटर करेंगे, फिर दूसरा इनपुट एंटर करेंगे, ठीक है, यानी कि दूसरा नंबर एंटर करेंगे. तो ये है इनपुट आउटपुट सिंबल का हमने यूज़ किया है, जिसमें प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन इनपुट ले रहे हैं अभी, राइट. अब यहाँ पे क्या है, डायमंड सिंबल है जो इंडिकेट किया जाता है डिसीजन के लिए. ये प्रोग्राम क्या है, दो नंबर्स को इनपुट करना है, इन दोनों में से लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना. तो अब दोनों में से लार्जेस्ट नंबर कौन सा है वो डिसीजन लेना है. तो ये डिसीजन लेने के लिए डायमंड सिंबल का हमने यहाँ पे यूज़ किया है. इसमें डिसीजन बेस्ड ऑपरेशन यूज़ होते हैं, जो है येस और नो या फिर ट्रू एंड फॉल्स, राइट. सो यहाँ पे अगर नंबर वन मतलब कि इनपुट वन एंड नंबर टू मतलब कि इनपुट टू मतलब कि नंबर टू, राइट. सो अगर नंबर वन मतलब कि इनपुट वन, नंबर टू मतलब कि इनपुट टू से लार्जेस्ट है, लार्ज नंबर है, तो कंडीशन ट्रू होगी, राइट. एंड अगर नंबर वन नंबर टू से बड़ा नहीं है, दैट मीन्स नंबर वन इज़ नॉट ग्रेटर देन नंबर टू, तो कंडीशन क्या हुई, फॉल्स हुई, राइट. दैट मीन्स नंबर टू नंबर वन से बड़ा है, ठीक है. तो ये क्या होगा, कंडीशन फॉल्स होगी. एंड जो लार्जेस्ट नंबर है मतलब कि नंबर टू बड़ा है, तो ये डिस्प्ले होगा, डिस्प्ले नंबर टू. अदरवाइज नंबर वन इज़ ग्रेटर देन नंबर टू, देन कंडीशन ट्रू हुई, तो क्या डिस्प्ले होगा, नंबर वन. अब यहाँ पे हमने कनेक्टर का यूज़ किया है, मतलब कि ये दो प्रोसेस को कनेक्ट कर रहा है, दो फ्लो को कनेक्ट कर रहा है. देन लास्ट में प्रोग्राम एंड हो रहा है, सो स्टॉप रिप्रेजेंट करेंगे हम ओवल सिंबल से, जो है टर्मिनल. साइड में ये प्रोग्राम्स है, सी का प्रोग्राम है, उसमें हमने वेरिएबल्स लिए हैं नंबर वन नंबर टू एंड लार्जेस्ट. हम उसको इनपुट करवाएंगे पहले और फिर चेक करेंगे. सो ये पूरी कंडीशन जो है, ये नंबर वन लेस देन सॉरी ग्रेटर देन नंबर टू डायमंड सिंबल में, ये पूरी कंडीशन हुई इफ कंडीशन, राइट. जो लार्जेस्ट नंबर होगा वो डिस्प्ले होगा. तो हमने यहाँ पे दो नंबर इनपुट करवाए, 10 एंड 30, उसमें से लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, 30, तो ये 30 डिस्प्ले हुआ यहाँ पे. नाउ डीएफडी, डेटा फ्लो डायग्राम. डीएफडी इज द एब्रीविएशन ऑफ एब्रीविएशन फॉर डेटा फ्लो डायग्राम. द फ्लो ऑफ डेटा ऑफ अ सिस्टम और अ प्रोसेस इज रिप्रेजेंटेड बाय डीएफडी. It also gives insight into the inputs and outputs of each entity and the process itself. Means हर एक डेटा का इनपुट एंड आउटपुट रिप्रेजेंट होगा इसमें. जैसे फ्लो चार्ट में होते हैं, ऐसे कोई रूल्स या लूप्स यहाँ पे यूज़ नहीं होती है. सो स्पेसिफिक ऑपरेशंस डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ डेटा कैन बी एक्सप्लेन बाय अ फ्लो चार्ट. डेटा किसका है उसके बेस पे ये फ्लो चार्ट बनता है.
एंड डेटा फ्लो डायग्राम्स आर वेरी पॉपुलर बिकॉज दे हेल्प टू विजुअलाइज द मेजर स्टेप्स एंड डेटा इन्वॉल्व इन सॉफ्टवेयर सिस्टम प्रोसेसेस. सो डेटा फ्लो डायग्राम हैज फोर कॉम्पोनेंट्स. फर्स्ट इज प्रोसेस. इनपुट टू आउटपुट ट्रांसफॉर्मेशन इन अ सिस्टम टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ प्रोसेस फंक्शन. द सिंबल ऑफ अ प्रोसेस आर रेक्टेंगुलर विथ राउंडेड कॉर्नर्स ओवर रेक्टेंगुलर और अ सर्कल. मतलब सिस्टम में जो इंस्ट्रक्शन के हिसाब से जो डेटा के साथ इनपुट्स हो गए एंड आउटपुट हो गए, डेटा का इनपुट होगा फिर आउटपुट होगा, तो ये क्या होगा, एक पूरी प्रोसेस होगी. मीन्स ये प्रोसेस फंक्शन में होगा. ठीक है. डेटा फ्लो. डेटा फ्लो डिस्क्राइब्स इंफॉर्मेशन ट्रांसफरिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिस्टम. डेटा फ्लो के लिए एरो सिंबल का यूज़ होता है. सो जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है, मतलब मूव होती है, उस इंफॉर्मेशन के फ्लो को बताने के लिए उसको उसके रिलेटेड नाम दिया जाता है. राइट. सो डेटा फ्लो जो इंफॉर्मेशन मूव हो रही होती है उसको रिप्रेजेंट करता है. एंड जो फ्लो है इंफॉर्मेशन का जो ट्रांसफ़र हो रहा होता है वो एक सिंगल टाइप होगा, मतलब ये एक डिरेक्शन में होगा, उसका कोई डिरेक्शन होगा. वेयर हाउस. राइट. सो द डेटा इज स्टोर्ड इन अ वेयर हाउस फॉर लेटर यूज. टू हॉरिजॉन्टल लाइन्स रिप्रेजेंट द सिंबल ऑफ स्टोर. मतलब कि यहाँ पे द डेटा वेयर हाउस इज सिंपली नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू बीइंग अ डेटा फाइल, रादर इट कैन बी एनीथिंग लाइक अ फोल्डर विद डॉक्यूमेंट्स एंड ऑप्टिकल डिस्क फाइलिंग कैबिनेट. मतलब कि डेटा वेयर हाउस डेटा की फाइल्स ही नहीं, मतलब उसमें जो डॉक्यूमेंट का भी फोल्डर हो सकता है. मीन्स एक डॉक्यूमेंट एक फोल्डर होगा जिसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे. फिर ऑप्टिकल डिस्क हो सकती है, मतलब कि कोई भी फाइल्स का एक फोल्डर हो सकता है. डेटा वेयर हाउस को हम इंडिपेंडेंटली भी देख सकते हैं. राइट. जब डेटा वेयर हाउस में से डेटा फ्लो हो रहा होता है, मतलब कि जब डेटा फ्लो हो रहा होता है उसको हम क्या कहेंगे, डेटा रीड हो रहा है ऐसा कह सकते हैं. एंड जब डेटा वेयर हाउस में जाता है, मीन्स डेटा की वेयर हाउस में एंट्री होती है, तो उसको डेटा एंट्री या फिर डेटा ऑपरेशन कहा जाता है. टर्मिनेटर. द टर्मिनेटर इज एन एक्सटर्नल एंटिटी दैट स्टैंड्स आउटसाइड ऑफ द सिस्टम एंड कम्युनिकेट्स विद द सिस्टम. इट कैन बी फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक बैंक्स, ग्रुप्स ऑफ पीपल लाइक कस्टमर्स और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ द सेम ऑर्गेनाइजेशन. लाइक इस फिगर में हम देख सकते हैं डेटा वेयर हाउस. सो उसमें से डेटा फ्लो हो रहा है, मतलब कि इनपुट जा रहा है प्रोसेसिंग के लिए. राइट. प्रोसेसिंग को हमने रेक्टेंगुलर सिंबल में दिखाया है. एंड फिर से जो एरो है वो रिप्रेजेंट करता है डेटा का फ्लो. सो ये प्रोसेसिंग के बाद यूज़र को मिल रहा है यहाँ पे. लेवल्स इन डेटा फ्लो डायग्राम. So DFD uses hierarchy to maintain transparency. This multi-level DFDs can be created. Levels of DFD are 0-level DFD, 1-level DFD, 2-level DFD. Right? In software engineering, data flow diagram can be drawn to represent the system of different level of abstraction. High-level DFDs are partitioned into low-level hacking, more information and functional elements. मतलब कि DFT का पार्टीशन किया गया है लो लेवल्स में, जिसमें हम हर एक प्रोसेस के प्रोसेस को हम डायग्राम में दिखा सके डीपली. राइट. सो लेवल्स इन DFD आर नंबर्ड एज 0, 1, 2 और बियॉन्ड. हियर वी विल सी मेनली 3 लेवल्स ऑफ DFD. राइट. 0 लेवल, 1 लेवल एंड 2 लेवल. 0 लेवल DFD, इट इज़ ऑल्सो नॉन एज अ कॉन्टेक्स्ट डायग्राम. इट्स डिज़ाइन टू बी एन एब्स्ट्रैक्शन व्यू शोइंग द सिस्टम एज अ सिंगल प्रोसेस विथ इट्स रिलेशनशिप टू एक्सटर्नल एंटिटीज. सो इट रिप्रेजेंट्स द एंटायर सिस्टम एज अ सिंगल बबल विथ इनपुट एंड आउटपुट डेटा इंडिकेटेड बाय इनकमिंग एंड आउटगोइंग एरोस. यहाँ पे एक रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम का एग्जाम्पल लिया है हमने. ये है 0-level DFD जिसमें एक सिंगल रिलेशनशिप दिखाई गई है पैसेंजर एंड एडमिन के बीच में. एंटिटी यूज़ की है हमने रेलवे रिजर्वेशन. सो यहाँ पे पैसेंजर एंड एडमिन के बीच में
यहाँ पे एंटिटीज है। सो पैसेंजर क्या कर सकता है? पैसेंजर रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम के में रिजर्वेशन करवा सकता है, कैंसलेशन भी करवा सकता है टिकट की, या फिर टिकट की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है, मीन्स कहाँ से कहाँ की जाना है, डेस्टिनेशन सोर्स वगैरह। नाउ एडमिन क्या कर सकता है? वो ट्रेन की इंफॉर्मेशन, अप डाउन ट्रेन इंफॉर्मेशन, मतलब कि रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम में वो दिखा सकता है कि कोई ट्रेन के टाइमिंग चेंज हुए है, इंफॉर्मेशन चेंज हुई है, सो वो डिस्प्ले करेगा। फिर वो जो पैसेंजर ने रिजर्वेशन किया है तो वो रिजर्वेशन कैंसिल कर सकता है, बुक कर सकता है, पैसेंजर की इंफॉर्मेशन ले सकता है, राइट? सो दिस इज़ वन सिंगल सिनेरियो ऑफ रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम। वन लेवल DFD, इन वन लेवल DFD द कॉन्टेक्स्ट डायग्राम इज डीकम्पोज इनटू मल्टीपल बबल्स और प्रोसेसेस। इन दिस लेवल वी हाईलाइट द मेन फंक्शंस ऑफ द सिस्टम एंड ब्रेक डाउन द हाई लेवल प्रोसेस ऑफ जीरो लेवल DFD इनटू सब प्रोसेसेस। मतलब कि उसमें एक सिंगल प्रोसेस दिखाई थी जीरो लेवल में, अब हम डीप में देखेंगे ज़्यादा। मतलब कि यहाँ पे जीरो लेवल DFD से एक स्टेप लोअर मिलेगा हमको। तो पैसेंजर की जो रिजर्वेशन प्रोसेस है पूरी, ये कैसे होगी ये दिखाया है। सो रिजर्वेशन प्रोसेस को डिटेल में डिस्प्ले किया गया है यहाँ पे कि टिकट जनरेट कैसे होगी, या फिर टिकट बुक करेगा तो वो एडमिन को क्या मिलेगा, नोटिफिकेशन मिलेगा, राइट, कि टिकट बुक करने के लिए कोई मैसेज आया है, राइट, रिक्वेस्ट आई है। सो यहाँ पे पैसेंजर क्या करेगा, रिजर्वेशन प्रोसेस में क्या होगा, अपना नाम डालेगा, उसको कहाँ पे जाना है वो डेस्टिनेशन प्लेस वो डालेगा, ठीक है। अब एडमिन को नोटिफिकेशन मिलेगा कि टिकट बुक हुई है। सो ये पूरी इंफॉर्मेशन कहाँ पे स्टोर होगी, यहाँ पे रिजर्वेशन स्टोरेज में, कि जहाँ पे उसको इंफॉर्मेशन रिजर्वेशन प्रोसेस की इंफॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। अब डेटा वेयर हाउस में ये स्टोर होगा, देन इंक्वायरी होगी। सो यहाँ पे डाउन एंड अप स्टोरेज, सो ये डेटा स्टोरेज के लिए है, मींस ये पैरेलल लाइंस जो है दो, ये शो करती है कि डेटा के कलेक्शन के लिए प्लेस है ये, एंड डेटा स्टोरेज इंडिकेट करता है कि ये डेटा बाद में भी यूज़ हो सकता है, एंड डिफरेंट प्रोसेसेस भी उसको यूज़ कर सकती है। मतलब ये इंक्वायरी के लिए डेटा यूज़ हो सकता है, या फिर कोई पैसेंजर के इंफॉर्मेशन के लिए भी ये डेटा यूज़ हो सकता है। टू लेवल डी एफ डी को इज़ वन स्टेप डीपर इन टू पार्ट्स ऑफ वन लेवल DFD। इट कैन बी यूज टू प्लान और रिकॉर्ड द स्पेसिफिक नेसेसरी डिटेल अबाउट द सिस्टम्स फंक्शनिंग। वन लेवल DFD की प्रोसेस में ज़्यादा डिप जाने के लिए हम यहाँ पे टू लेवल DFD कर रहे हैं। सो प्रोजेक्ट के रिकॉर्ड के लिए कोई स्पेसिफिक डिटेल्स चाहिए, इसकी डिटेल्स के लिए भी ये हमने यूज़ किया है। मतलब कि फिगर में हम देख सकते हैं कि वन लेवल तक हमने रिजर्वेशन का देखा, अब उसमें कोई क्वेरी आई, ठीक है, अब ज़्यादा प्रोसेस हमने दिखाई है कि पैसेंजर है उसने रिजर्वेशन किया तो वो कहाँ पे जाएगा, रिजर्वेशन प्रोसेस में, ठीक है। अब वो पहले इंक्वायरी भी कर सकता है, तो इंक्वायरी करेगा तो ज़रूर कोई उसके साथ कनेक्ट होगा, फिर यहाँ से रिप्लाई आएगा, सो इसका इंक्वायरी मिलेगी। अब इंक्वायरी कहाँ से मिलेगी, ये भी रिजर्वेशन है तो यहाँ पे उसका डेटा होगा अवेलेबल, राइट। नाउ रिजर्वेशन प्रोसेस के साथ क्वेरी प्रोसेस भी कनेक्टेड है, क्यों, क्योंकि रिजर्वेशन में कोई क्वेरी आई तो वो रिपोर्ट होगी, ठीक है। देन रिजर्वेशन प्रोसेस में वो किसके साथ कनेक्ट, रेलवे डिपार्टमेंट के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। उसके पास क्या होगा, वेटिंग टेबल होगा, ट्रेन के टाइम हो गए, रिजर्वेशन में कितनी सीट्स खाली है वो होगा, ठीक है। फिर इसका भी वो रिपोर्ट जनरेट करेगा रिजर्वेशन के डेटा का, ठीक है, तो वो इसके साथ कनेक्टेड है। अभी रिजर्वेशन प्रोसेस के साथ कैंसलेशन प्रोसेस, मींस अगर किसी पैसेंजर ने कैंसिल किया है रिजर्वेशन, ठीक है, राइट। फिर रिजर्वेशन प्रोसेस के साथ सर्चिंग, मतलब पैसेंजर ने रिजर्वेशन के लिए अप्लाई किया तो वो पहले सर्च करेगा,
कि सीट्स अवेलेबल है कि नहीं। अगर सीट्स अवेलेबल है तो उसको कंफर्मेशन मिलेगा, ठीक है, कंफर्मेशन मिलेगा तो टिकट जनरेट होगी, ठीक है। अब कैंसलेशन प्रोसेस में भी कैंसलेशन प्रोसेस होगा तो टिकट उसका कैंसिल होगा, ये भी कनेक्टेड है इसके साथ, ठीक है। वेटिंग प्रोसेस ये किसके लिए, कि जब तक उसने रिजर्वेशन कर दिया, डिटेल्स डाल दी, फिर यहाँ से एक टिकट जनरेट होगी, ठीक है, तो वो एक प्रोसेस होगी टिकट जनरेशन की प्रोसेस। उसके बाद क्या होगा, टिकट जनरेट होगी, ठीक है। सो ये एक डिटेल्ड प्लान है पूरा, जो हम देख सकते हैं 2 लेवल DFD में। थैंक यू।